गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिगल ने कहा कि कोविड संक्रमितों की पहचान के लिए जनपद के सभी पीएससी में सैंपल टेस्टिंग किया जा रहा है। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रतिदिन 8 से 10,000 सैंपल टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सैंपल संख्यात्मक नहीं है, हमारा प्रयास है कि स्मार्ट सैंपलिंग हो जिससे कि संक्रमितों की पहचान हो सके और समय रहते इनका इलाज किया जा सके। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिगल ने कहा, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग और सैंपल टेस्टिंग की क्या? देखिए, सैंपल टेस्टिंग जो है हर पीएससी में हो रहा है, क्योंकि अर्बन पीएससी में थोड़ा अंदर जगह कम होता है, तो उन्होंने किसी न किसी स्कूल में अपने को टैग कर रखा है। और हम सैंपल टेस्टिंग इस समय गोरखपुर जनपद में लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में प्रतिदिन कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ संख्यात्मक नहीं है, स्मार्ट सैंपलिंग होनी चाहिए, और उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि हम सही संक्रमितों की पहचान कर सकें।